हम तो कांग्रेस को वोट देंगे, देखो हमारी तो कोई चिंता नहीं, बलबीर आ जाओ या बलवान आ जाओ, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन पार्टी तो ठीक है अपने हिसाब से, जिसको वोट देगी हम तो पार्टी के साथ हैं, हमने तो कोई मतलब नहीं। बाकी कैंडिडेट करते हैं, हम तो हल्के में जो या बीजेपी जीतती है हमारी, तो सिर्फ सारा कारण बलबीर का था। पीछे भी जो बना था बलवान की अपेक्षा ही बना था, क्योंकि दोनों ने रला कर उसको पवार को गिरना था, एक के बस का वो नहीं गिरना था। ये तो बना दिया पब्लिक ने दया उस पर रोदा सुहाव उसका, ये तो बना दिया बलबीर बलमे की, बलबीर ने कौन जाना था, कौन जानता। जो हमारा मौके का जो MLA था, ऐसा कोई खास काम गाँव का नहीं किया। हाँ, और हम खुद कांग्रेसी चुनाव को लेकर इसराना हल्के में है, और इसराना हल्के गांव टिटाना में हम लोग पहुंचे हैं। हल्के की क्या तस्वीर है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस जो है इलेक्शन इस बार होगा, और हरियाणा में दोनों पार्टियां जो हैं जोर शोर से लगी हुई हैं। इसराना के लोगों से बातचीत करेंगे, मेरे साथ कुछ बुजुर्ग हैं। आप टिटाना गाँव से कितने समय में रहते हैं, कब से रह रहे हो? तो जम उसी हैं जी, बाप भी यहीं का रहने वाला था। अच्छा, और हम भी हैं, और आगे लड़के पोते भी यहीं के हैं, रहने सारे यहीं के हैं। अच्छा, कांग्रेस या बीजेपी, बीजेपी पहले रही कोई अच्छा काम कुम करे, बीजेपी ने नहीं करे? बीजेपी ने भी कुछ नहीं ऐसा काम किया जो दिया है हमारे जिस टाइम ये सरपंच साहब थे, इनको मतलब तो दिया है काम। हाँ। इन्होंने तो किया काम बीजेपी के टाइम में। हाँ। और बाकी जो दूसरा सरपंच था रही लग, तो कोई काम ऐसा होया नहीं है इसके टाइम में। हाँ। और रही दूसरी बात, पहले कांग्रेस थी तो जितने काम हुए थे पहले कांग्रेस वालों ने किए थे। उसके बाद बीजेपी तो 10 साल हो आई है, 9 साल हो गए। नहीं, पहले तो कांग्रेस ही थी, 65-70 साल कर गई है। हाँ, तो ये जो हमारा मौके का जो MLA था, ऐसा कोई खास काम गाँव का नहीं किया। हाँ, और हम खुद कांग्रेसी हमने आज लग गया, ऐसा है कि एक आधी बार तो खैर वोट का दे दिए होंगे, नहीं तो हमने कांग्रेस को ही दिए। फिर हमारा भी ये है कि जब कांग्रेस वाला ने मतलब नहीं संभाल करी, भाई उन आदमियों की तो संभाल कर लें, तो उन आदमियों की भी संभाल नहीं करी उन्होंने। तो आगे ही है, जो आवेगा कोई कैंडिडेट जिसा भी आवेगा उसा देखा जाएगा। अच्छा, शुरू से आप कांग्रेस को वोट देने जा रहे हो? हम तो शुरू से कांग्रेस को ही दे रहे थे, आगे भी कांग्रेस को देंगे, और उम्मीद थी हमारी भी कांग्रेस की देने को। जब आपका MLA आता है सुख दुख में आपके बीच में कहीं? बस वैसे नहीं आता, ऐसे नहीं आता है, कोई बुलाए, कोई हर्ज मर्ज हो जाए, कोई डेथ वगैरह तो उसमें तो आ जाए, नहीं तो वैसे नहीं आता कभी। कुछ आपके गांव का कुछ काम कुम है कुछ करवाने लायक? बस काम करवाने लायक तो बतेरे हैं, काम तो करवाने वाले हैं। एक ये अपनी ये टंकी है, टंकी पड़ी है, वो रद्द हो ही पड़ी, पानी के लिए जो है ना नहीं है। अच्छा, एक दूसरी टंकी नहीं लगी थी, उसका पानी चालू कराया उन्होंने, वो है गर्म, ठंडा तो आंदा ही नहीं। तो अब ये वो पड़ा है, गलियों का भी पड़ा है, हमारा एक वो है सचिवालय पड़ा, वो है ये मैदान है, वो भी उसका भी कोई सुधार नहीं है, और योग आश्रम है उसका कोई सुधार नहीं है, गेट गार्ड सब टूटे फूटे पड़े हैं, सब इसी तरह सब पड़े हैं। चलिए, कुछ और लोगों से भी बातचीत करते हैं। आप बताओ जी, क्या कहना चाहोगे, गांव का विकास हुआ है कुछ आपका MLA सब ने कराया कुछ? गांव का इस 5 साल में तो कोई विकास हुआ ही नहीं गांव का जी। इसमें विपक्ष लगा लो या कुछ भी कर लगा लो, उसे हल्के की रिपोर्ट बताया इसका, हम तो हल्के में जो या बीजेपी जीतती है हमारी, तो सिर्फ सारा कारण बलबीर का था, और नहीं मारा तो कांग्रेस जे ना, कांग्रेस का मतलब ही नहीं था हारने का, यहाँ सारा कारण इसी का है। क्यों? क्योंकि इन्हें ना तो कोई कमाई करी, ना कोई पब्लिक को अपने पास अपने हक में कराया, वहाँ सब जगह अपना पार्टीबाजी कर दी, वो तो कोई ऐसी बात नहीं, और उसने कुछ नहीं काम किया ऐसा। हमारे गाँव में तो आज तक हुआ नहीं, 5 रुपये का भी कोई काम नहीं हुआ। आपके में क्या 6700 वोटों से जीत के गई है बीजेपी यहाँ से? हाँ, बीजेपी जीत के गई जी। और कांग्रेस का MLA यहाँ? कांग्रेस का MLA यहाँ पे, जबकि जाटा की गढ़ में आ रही है, जाटा में गढ़ में आ रही है कांग्रेस, और वहाँ से भी नथिंग होगी तो फिर बताओ, फिर MLA का क्या फायदा होया। तो ये पीछे भी जो बना था बलवान की अपेक्षा ही बना था, क्योंकि दोनों ने रला कर उसको पवार को गिरना था, एक के बस का वो नहीं गिरना था, तो इन्हें खड़े होकर और दोनों ने इसको पवार को गिरा था, बलवान और बाल्मीकि ने, बलबीर ने दोनों ने गिरा था, और नहीं अकेले गए तो बस का इसका वो भी नहीं था, तो बलवान ने लगाया गिरा था। बलवान ने दीपेंद्र ने कह के और इसको 15 दिन इलेक्शन में भी रखा,
और साथ में भी रखे आपने, भाई ठीक है तो मेरे साथ सपोर्ट कर और तेरे को टिकट भी देंगे, अच्छा काम तो कर कोई बात नहीं। उसका आश्वासन दे रखे इस करके पार्टी में लड़ा था जी। सर्वे हो गया तो आज आपका एमएलए सर्वे में निकल जाएगा या निकल जाएगा? सर्वे में कौन सा? बलबीर। बलबीर ठीक निकल जाएगा कि नहीं? देखो मेरा तो कहना बिल्कुल गलत है, हम तो कांग्रेस को वोट देंगे, देखो हमारी तो कोई चिंता नहीं, बलबीर आ जाओ या बलवान आ जाओ हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं वो बता रहा हूँ जिसके जिस आदमी की रिपोर्ट जो है मैं फिर सिर्फ वो दे रहा हूँ और मैं पार्टी की रिपोर्ट नहीं कर रहा। पार्टी तो ठीक अपने हिसाब से जिसको वोट देगी हम तो पार्टी के साथ हैं, हमने तो कोई मतलब नहीं। बाकी कैंडिडेट गलत है, हमारा कैंडिडेट में कोई दो रहे नहीं, ये बिल्कुल गलत है। फिर आपकी मजबूरी हो जाएगी कांग्रेस को वोट देना, कह रहे हो? मजबूरी हो जाएगी जी, पब्लिक को कैसे मनाओगे? हम तो चलो देंगे वोट, पब्लिक को कैसे मनाओगे? चलो हम तो कट्टर हैं जैसे, और हम जिस भाई है ना हमका हार दे भाई चलो इन्हें काम नहीं कराया ये करो, तो वो तो मारे भी थप्पड़ मारे हैं भाई जी, तुम भी आज तक नहीं समझे तो आगे भी कांग्रेस को देना तो तेरी भी गलती है, तो हमने मजबूर करेंगे फिर और क्या होगा। तो देखो सरकार तो मेरा अंदाजा है शायद कांग्रेस आ जाएगी, लेकिन हल्के में ऐसा काम हो रहा है शायद हल्के में मुश्किल हो जाएगा अगर कांग्रेस आ जाएगी। चलिए ये और लोगों से भी जो है बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आपसे बात कर लें जी इलेक्शन को लेकर कुछ। बलबीर ने कर दी पार्टीबाजी हमारे काम में जी। अच्छा मैंने बलबीर का तो पूछे को नहीं, बलबीर एकदम खिलाफ है जी, कभी उन्हें कुछ नहीं करा। ग्वाडर रोड पर जाकर देखो क्या हाल हो रहा है, ग्वाडर रोड पर बहुत बुरा हाल हो रहा जी। उसका अपना गाँव होता ना? हाँ वो अपना गाँव है, नहर पर जा दिल उस पर रजवाया पर क्या बुरा हाल करा बलबीर ने। तो मेरा तीन छोरी है मेरा अनु का रो था चलिए आपसे बात कर लें जी। ये भाई जो कह रहा था कितनी सच्चाई है? देखो जी मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, जो है बलबीर ने पार्टीबाजी करा रखी, मेरा किसी का राजनीति का कोई मतलब नहीं, इन्हें पार्टीबाजी करा रखी है, इसका तो उचित्य ही नहीं बस, और मैं कुछ नहीं इस पर ज़्यादा टिका टिप्पणी करूँगा। तो जो है बलबीर ने तो इस गांव में ला ले और ला ले टुकड़े कर दिए गांव के भी पार्टीबाजी करके बस। किस तरह की पार्टीबाजी करता है ये बलबीर? बस पार्टीबाजी क्या है, एक की वो भर ले एक की वो कर ले अपना, ये पार्टीबाजी और क्या है, गाँव को काम का तो मतलब ही नहीं। कह रहे भाई वो है ये नहीं, गांव में आते जाते नहीं क्या साहब? हाँ जी गांव में आते जाते नहीं क्या एमएलए साहब? नहीं गांव में आओ जाओ हमने इस बात से भी कोई मतलब नहीं, आते नहीं जाते है। हैं क्या वैसे? ना आते जाते कभी आते जाते नहीं, हमने दिखे ही नहीं आज तक। इलेक्शन के बाद? इलेक्शन के दौरान तो आया होगा, इलेक्शन के दौरान तो वोट मांगने के लिए आते हैं तो कुछ के। ठीक है चलिए टिटाना गाँव में हम लोग बातचीत कर रहे थे, नाराजगी है यहाँ पर और देखते हैं अब इस इलाके में तासीर क्या रहती है। फिलहाल कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस जो है यहाँ पर जो है देखा जा रहा है। वैश्व पानीपत के प्रदीप पंचाल के साथ कुलोर।